फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है तो उसको हम बोलते हैं पाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब दो तरह के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है जब पाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। एक तो बनता है मार्जिनल, कौन सा बनता है मार्जिनल, मार्जिनल बाय वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और एक बनता है आपका कंडीशनल, कंडीशनल बाय वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक बनता है बाय वेरिएट मार्जिनल बाय वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक बनता है कंडीशनल। नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टू, नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टू, नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज इक्वल टू एम प्लस एन। अब यह है एम प्लस एन बता रहा हूं क्या है क्वेश्चन, ये पूछा जाएगा कितने मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेंगे तो आपका आंसर आएगा टू। कितने कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेंगे तो आंसर आएगा एम प्लस एन बोल दो या पी प्लस क्यू बोल दो, वो डिपेंड करता है कि वो क्या बोल रहा है। अब ये टू कैसे बनता है वो मैं समझा रहा हूं। वैसे इसके अलावा क्वेश्चन इस वक्त पूछा नहीं जाएगा, बस इसी तरह का क्वेश्चन आए कि कितने, वो ये नहीं बोलेगा कि बना के बताओ, बना के कभी नहीं पूछे, बस ये पूछेगा कितना मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है तो आप बोलोगे दो। अब ये दो का क्या मतलब है वो समझा रहा हूं। जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो तो आपका जो बाय वेरिएट बनता है ना वो ऐसा बनता है, मार्क्स इन मैथमेटिक्स सपोज ऐसे, और इधर आएगा मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। जैसे मैंने बोला 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, ये आपका बाइवेरिएट है 0 to 2, 2 to 4। वैसे बना रहे भाई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, बस वैसे समझाने के लिए 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। ये मार्जिनल, अब मार्जिनल दो बनेंगे, कैसे बनेंगे मार्जिनल, कौन कौन सा बनेगा मार्जिनल, मार्जिनल बनेगा इधर लिख देता हूं मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन से दो बनने की बात कर रहा है वो ये देखो। पहला बनेगा मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 जो भी आएंगे मान लीजिए। और दूसरा बनेगा, दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, ये तो मार्जिनल के लगा, ठीक है, पूछा नहीं जाएगा, मैं वापस से बार बार बोल रहा हूं, बस सिर्फ ये पूछेगा कितने बनेंगे 0 to 2, 2 to 4 तो कितने बनेंगे मार्जिनल, दो मार्जिनल कितने बने, दो, एक तो मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, ये दो मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। तो दो वेरिएबल है इसलिए दो मार्जिनल फ्रीक्वेंसी, तीन वेरिएबल होंगे तो कितने बनेंगे तीन, चार वेरिएबल होंगे तो चार बार, तो देयर विल बी टू मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंडीशनल कैसे बनेंगे एम प्लस एन कैसे बनेंगे, देखो कंडीशन कैसे बनती है, मार्क्स इन मैथमेटिक्स व्हेन स्टैटिस्टिक्स मार्क्स इन 0 to 2, मार्क्स इन मैथमेटिक्स When statistic marks in 2 to 4, तो पांच यहां बनेंगे, पांच यहां बनेंगे,
तो ये m है, एक दो तीन चार पांच, कितने m है? पांच, और n भी कितने हैं? तो इसका मतलब कितने मान है और कंडीशनल बनेंगे? दस, फाइव प्लस फाइव दस। ये कहलाते हैं सेल्स। तो टोटल सेल्स कितने होगा? फाइव इंटू फाइव, ट्वेंटी फाइव सेल्स। तो नंबर ऑफ, क्योंकि आप जब आपके इसके एमसीक्यू करोगे ना, सेट है, तो नंबर ऑफ सेल्स आपका एम इंटू एन कितना आएंगे? नंबर ऑफ सेल्स एम टू एन, बस इसमें यही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। तो ये लिख लीजिए भाई, नंबर ऑफ सेल्स एम इंटू एन। और पी क्यू बोले तो पी क्यू, यदि पी क्यू लिखा हुआ है तो फिर पी क्यू आए। लिखो भाई इसको, लिख लिया। आ जाइए भाई कोरिलेशन एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस। बातें नहीं सर, हो गया हो गया। कौन सा चैप्टर चल रहा है? क्या बोला? अरे ये कौन है? लड़का लड़की है? किसने कर रहा? सर आप पता लगा अच्छा चलो भाई लिखो कोरिलेशन एनालिसिस। अब देखो कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन क्या फाइंड आउट करता है, वो भी चीज लिखो। लो यार एक मॉड्यूल दे भी दोनों को, जो कोई लाया तो तुम्हारा टेस्ट नहीं हुआ क्या? कितनी बजे तुम आए? लिखो भाई कोरिलेशन एनालिसिस, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि भाई ये क्या मेजर करता है और किस तरह से।
वाइल स्टडिंग टू वेरिएबल्स, ये लिखो, वाइल स्टडिंग टू वेरिएबल्स इफ इट इज फाउंड दैट, बेटा तुम दोनों या तो पीछे बैठ जाओ, इफ इट इज फाउंड दैट चेंज इन वन वेरिएबल, चेंज इन वन वेरिएबल इज रेसिप्रोकेटेड अभी समझा देंगे, उसमें वैसे कुछ भी नहीं है, बाय ए करस्पॉन्डिंग चेंज इन अनदर वेरिएबल, either directly or indirectly, inversely, then the two variables are said to be associated or correlated, are said to be associated or correlated. तो दो वेरिएबल, फिर हम इन दो वेरिएबल को क्या बोलेंगे, या तो कोरिलेटेड बोलेंगे या एसोसिएटेड बोलेंगे। भाई सिंपल सी बात है, एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी चेंज हो रहा है। हेलो सर, ये डायरेक्टली और इनवर्सली लिखा हुआ है क्या? हाँ, डायरेक्टली और इनवर्सली लिखा हुआ है। ठीक है, डायरेक्टली और इनवर्सली, देन द टू वेरिएबल आर सेड टू बी एसोसिएटेड और कोरिलेटेड। भाई या तो डायरेक्टली मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, उसको बोलेंगे डायरेक्टली। एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, जैसे आपका ये इसमें क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन को हम किससे डिनोट करेंगे, आर से। इसको किससे डिनोट करेंगे, आर से। आर की वैल्यू किस किस के बीच में होती है, यदि पॉजिटिव कोरिलेशन है तो जीरो और वन के बराबर, जीरो के बराबर होगा तो फिर नो कोरिलेशन होगा, जीरो से ज्यादा और वन के बराबर, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन। इफ आर इक्वल टू वन है तो हम क्या बोलेंगे इसको, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन यदि आर इक्वल टू वन। इफ आर इक्वल टू वन देन इट इज कॉल्ड परफेक्ट। इसमें क्या होता है बेटा, यदि एक्स इंक्रीज हो रहा है तो y भी क्या होता है, और यदि x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज हो रहा है, x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है, और x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन, इसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। अब इस तरह की प्रॉब्लम में और क्या क्या पूछा जा सकता है वो चीज समझ, एक तो एग्जाम्पल पूछा जाए, एग्जाम्पल्स, हाइट एंड वेट। भाई जनरली हाइट ज्यादा होती है तो वेट भी ज्यादा होता है, रेनफॉल एंड यील्ड ऑफ क्रॉप, रेनफॉल ज्यादा होती है तो यील्ड ऑफ क्रॉप भी ज्यादा होती है। टेम्परेचर एंड पावर कंजम्पशन, यदि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो पावर कंजम्पशन भी ज्यादा बढ़िया, टेम्परेचर और सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक ये भी है। ठीक है, एक आपका इकोनॉमिक्स का कोई एग्जांपल बताओ, प्राइस डिमांड सप्लाई में से, प्राइस एंड पक्का वो तो इंग्लिश भी होता है, प्राइस एंड, भाई प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है, तो ये आप लिख लीजिए ये एग्जांपल,
क्या अब इसमें क्या है कि जो आपका पॉजिटिव कोरिलेशन है, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए b का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। यदि b का वैल्यू पॉजिटिव है, कुछ भी हो सकता है, तो बेटा इस केस में r क्या होगा, 1। यदि b का वैल्यू पॉजिटिव है तो r का वैल्यू क्या होगा, 1। अब जैसे मैं आपको अब इसमें पूजा क्या पता क्या है सर। हाँ बेटा बोल सर। थोड़ा कैमरा उस साइड करो ना, उधर का देख नहीं रहा कोने का। वो तो इतना ही दिखेगा बेटा, उधर मैं कितना भी कर लूं कैमरा, अभी भी नहीं दिख रहा, थोड़ा सा और। वो तो कितना भी कर लिया वो तो ठीक है सर। डबल दर्क नेक्स्ट 3x-2y+7=0। इसका r 1 होगा, क्यों 1 होगा, स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए। स्लोप होता है माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। बोलो स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव, इसलिए r 1 है। कभी भी कोई भी लाइन गिवन है तो उसका स्लोप निकालो। स्लोप यदि x और y एक ही तरफ है तो स्लोप होता है माइनस एक्स का कोफिशियंट अपॉन वाई का कोफिशियंट। तो माइनस थ्री अपॉन माइनस टू, स्लोप क्या आ रहा है, इसका आर क्या होगा, 1। और एग्जांपल देखो, यदि सपोज ऐसा लिखा आ जाए वाई इक्वल टू 7x+5, तो ये उस फॉर्म में वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। बोलो एक्स का कोफिशियंट 7, मतलब ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो इसका स्लोप 7 है। स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए आर इसका भी क्या है, या तो एक्स और वाई दोनों एक तरफ होगा तो आप इस मेथड से निकालो। यदि आपको ये वाला मेथड नहीं आता तो आप दोनों को इधर ले आओ एक ही तरफ। जैसे कभी ऐसा आ गया 2y=7y+9, तो आपको तो आप तो सॉरी 2y=7x+9, आप तो इधर ले आओ -7x+2y-9=, स्लोप निकालो। इसका मतलब आर क्या हो गया, 1 हो गया। बेटा बंद हो जाएगी अभी मीटिंग, एक्चुअल में आवाज आ रही है, अटक गया क्या, अरे ये क्या हुआ, एसी तो चल रहा, एसी तो चल रहा है।